53 दिनों से राज्य की आंगनवाड़ी सेविका आईटेक के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करी है। आज इन महिलाओं ने नागपुर स्थित उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सरकारी आवास के सामने ठिया आंदोलन किया। आंगनवाड़ी सेविकाएं पिछले 53 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करी है। आंदोलकों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बड़े मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है, मगर अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। इन सब विषयों पर इन बेसिन ने आंदोलकों से चर्चा की है। देखते हैं उनका क्या है कहना। आईटेक संगठन के नीचे पिछले 53 दिनों से जो है आंगनवाड़ी सेविका आंदोलन कर रही है। बहुत से नेता कैबिनेट मिनिस्टर से इनकी इन सब की मुलाकात हुई है, मगर सभी ने आश्वासन के सिवाय इन्हें कुछ नहीं दिया। आज 54वां दिन है, मगर अभी तक इन्हें सफलता हासिल नहीं हुए है। ये आज उप मुख्यमंत्री के बंगले के सामने नागपुर में आंदोलन पर बैठी है। हजारों की तादाद में अगर आप देखेंगे तो महिला आज आंदोलन कर रही है। उनका कहना है कि सरकार उनका मानधन बढ़ाए, साथ ही पेंशन दे, ग्रेजुएटी दे, इन सभी मांगों के लिए लगातार जो है यह महिलाएं आंदोलन कर रही है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे कि क्या उनकी मुख्य मांगे हैं। आपका सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मैं ज्योति अंडर सहारे आईटेक यूनियन से जिला सेक्रेटरी हूँ, और हमारी डिमांड है वेतन श्रेणी मिलना चाहिए और पेंशन मिलना चाहिए आंगनवाड़ी कर्मचारी को, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए और मोबाइल मिलना चाहिए। मांग को लेकर हम लोग 4 दिसंबर 2023 से आंदोलन कर रहे हैं और आज का 53वां दिवस है, लेकिन हम सरकार को निवेदन देने के बाद चर्चा में कोई विषय ही नहीं आ रहा, ना हमसे कोई चर्चा करना चाहता है। जो कुछ भी डिमांड हमने की है, आज आंगनवाड़ी कर्मचारी को वेतन श्रेणी की डिमांड रखे, लेकिन ये सरकार वेतन श्रेणी नहीं देंगे। तो किमान जीने के लिए, उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होने के लिए सेविका को 26,000 और मदतनीस को 20,000, ये हमारी डिमांड है, लेकिन सरकार हमें देना नहीं चाहता, क्योंकि वो बोलता है कि अभी ये 2023 में हमारे 1,500 रुपये बढ़ाए थे उन्होंने और मदतनीस के 1,000 रुपये, तो बोलता है साल में हम लोग 2 मानधन वार्ड नहीं देते। ठीक है ना, साल में दो बार मत दो, लेकिन अभी तो 2024 है ना, तो अभी 2024 में तो हमारा मानधन को बढ़ावा करना चाहिए कि नहीं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देता। हम लोग 53 डेज हो गए हैं, हमारी जो लेडीज है ये इतने दूर दूर से आती है, तालुका से आती है नागपुर जिले में, हम लोग संविधान चौक में बैठे थे, लेकिन कोई प्रशासन, ये कोई मंत्री या कोई हमारा जो कोई अधिकारी है, कोई दखल देना नहीं चाहता है। उनको ऐसा लगता है कि ये मरे या सड़े, कुछ भी हो, बैठा है तो बैठे, कितने दिन तक ही बैठेंगे। लेकिन अगर सरकार हमारी परीक्षा देख रहे, तो हम भी तो सरकार की परीक्षा देख रहे कि जब तक कि हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होंगी, हमारी वेतन की डिमांड है, हमारी पेंशन की डिमांड है, जो आंगनवाड़ी कर्मचारी को 1,75,000 मिलते, लेकिन हम लोग चाहते कि हमें महीने की पेंशन मिलना चाहिए। ग्रेजुएटी के संदर्भ में न्यायालय ने दिल्ली के हाईकोर्ट ने गुजरात के आंगनवाड़ी कर्मचारी को ग्रेजुएटी दी है, तो क्या हमारी महाराष्ट्र की सरकार हमको नहीं देना चाहती है? तो नियम तो हर जगह एक होना चाहिए ना, तो हम लोग चाहते कि ग्रेजुएटी भी हमें मिलना चाहिए। इस डिमांड को लेके मोबाइल है, जो हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, अभी तो जो पुराने मोबाइल थे जो अच्छी क्वालिटी के, तो हम लोग ने प्रकल्प में वापस किया, अभी हमें नया मोबाइल चाहिए। जब तुम लोग बोलते हो कि आंगनवाड़ी कर्मचारी ने ऑनलाइन काम करना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, तो हमें जल्दी से जल्दी मोबाइल देना चाहिए। पिछले 54 दिनों से ये आंदोलन शुरू है, क्या कहेंगे आप 54 दिनों का ये जो है 53 दिनों का ये संघर्ष है, किस तरह से आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपने निषेध दर्शाया है? हम लोगों ने अभी 54 दिनों से जो आंदोलन किया है वो शांतिपूर्वक हम लोग अपने एक जगह बैठ कर हम लोगों ने आंदोलन किया है, लेकिन शासन अब जब दखल हमारी दे नहीं ले रहे हैं और शासन हमारे विषय में कुछ अच्छा विचार नहीं कर रही है, तो आगे हम लोगों ने सोचा है कि अब हम आंदोलन को तीव्र करेंगे और जो हमें करना है वो करेंगे, हम तीव्र आंदोलन करेंगे।
हाँ, इतने सर बड़ी संख्या में जो है आंगनवाड़ी सेविका इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, कहाँ कहाँ से महिलाएं आई हैं और क्या क्या उन्हें परेशानी है? यहाँ पूरे नागपुर शहर से आई है महिलाएं, और बहुत अंदर से जहाँ नदी वगैरह पार करके आती है महिलाएं, बस नहीं है, जंगल से आती है, कुछ पैदल आती है, यानी बहुत परेशानी से यहाँ तक पहुँचती है महिलाएं। लेकिन सरकार को अभी तक हमारी मांग नजरअंदाज कर रहे हैं। हम 53 दिन हो गए और हम अलग अलग तरीके से आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमारी भाई लोग अभी इतने जंगल के एरिया से आ रहे हैं, किसी बड़े बड़े जंगल पार करके आते, भीवापुर का जंगल आपको पता है, वहाँ से तक महिला पैदल आती है, कुछ बसेस वगैरह की सेवा नहीं है। हमारी ऐसी कुछ महिला है जो तो नदी भी पार करके आती है और उसके 2 गांव चल के फिर उनको बस मिलती है। इतनी सारी परेशानी झेल के वो आंदोलन में सहभागी है, क्योंकि अपनी हक की लड़ाई है, इसलिए वो अपने आप को रोज आती है। और रात में 10 बजे किसी को 10 बजता है जाने के लिए, कोई कोई कहीं रुक जाता है जंगल के एरिया से डर के मारे। यानी बहुत इंटरनेट है जहाँ से आंगनवाड़ी सेविकाएं आती है, सब कर्मचारी हमारे यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार ने हमारे तरफ यानी कुछ तो भी ध्यान देना चाहिए। हम अभी इतने 4 दिन से हमने तीव्र आंदोलन किया है, परसों के दिन हमने बरडी का रास्ता रोको आंदोलन किया है, कल हमने संविधान चौक में आंगनवाड़ी भराई है जहाँ से बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, फिर भी सरकार को जाग नहीं आ रही है और हमारी मांगे पूरी नहीं करना है। ग्रामीण भागों में यह आंगनवाड़ी सेविकाएं अपनी सेवा दे रही है, वहाँ से जिस तरह बने वहाँ से यहाँ पर तक पहुँच रही है और अपना निषेध दर्शा रही है। मुझे बताइए 53 दिन हो गए हैं, इसके आगे क्या, अगर सरकार न्याय नहीं दे पाई है तो इसके आगे क्या कदम? अगर सरकार, आज तो हमारा ये 53वां दिवस है, अगर इसके बाद अगर न्याय नहीं दिए तो हम मंडे से, मंडे 29 है, 29 तक कलेक्टर जी ने हमको बोले हैं कि 29 तारीख तक की आप लोग कुछ मत करो, ऐसा संविधान चौक में शांति से करो, उसके बाद हम लोग बात कर रहे, चर्चा कर रहे हैं। हमने बोले कि ठीक है, हम 29 तारीख तक ही कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 30 तारीख से हम रामगिरी में ठिया आंदोलन करेंगे, वहाँ से उठेंगे नहीं। अगर वहाँ पे हमें जगह नहीं मिली तो हम संविधान चौक में ठिया आंदोलन वहीं पे करेंगे, रात भर रहेंगे, दिन भर रहेंगे, जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक की। आंगनवाड़ी सेविका पिछले 53 दिनों से आंदोलन कर रही है, उनका कहना है कि सरकार अगर उन्हें न्याय नहीं देता है तो वो आत्मदाह तक कर लेंगी, इसका उन्होंने एक इशारा सरकार को दिया है। सरकार अगर इसके बाद भी नहीं सुनती है तो कुछ जो पसंद नहीं है वो घटना यहाँ से सामने आ सकती है। कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मैं प्रकाश शुंगार, NBCN न्यूज़ नागपुर।